रबी वैसे भी अरबी में बहार को कहते हैं, ये हमारे ज़िम्मेदार भाई तो रबी और खरीफ अच्छी तरह जानते हैं, तो रबी बहार को कहते हैं। रबी अव्वल का माना पहली बहार। कायनात में उजाड़ ही उजाड़ था, अंधेरा ही अंधेरा था, जब हुजूर तशरीफ़ लाए तो बहारें आ गईं। और मौसम भी अल्लाह ने मुंतखब किया बहार का, जब कलियाँ चटक रही थी, गुंचे महक रहे थे, कायनात में बहार छाई हुई थी। ये अप्रैल की 20-22 की तारीखें ज़रा देखिए कि इन दिनों के अंदर कितने फूल खिले हुए होते हैं। तो ये मौसम, ये बहुत ही सुहानी फूल खिले थे, कहा महबूब महबूबों को बहारें ही सजती हैं। जब कलियां चटक रहेंगी, गुंचे महक रहे होंगे, कायनात में बहार छा रही होगी, आप जाने बहार बन के आ जाना। और फिर जब हुजूर तशरीफ़ लाए, उलमा ने लिखा है, अहले सैयद ने लिखा है कि दरख्तों के फल उस साल ज़्यादा आए जिस साल हुजूर आए, चश्मों के पानी भर गए जिस साल हुजूर की विलादत हुई, जो अरब के लोग तजारती काफ़िले लेकर गए थे उनको मामूल से ज़्यादा नफ़ा हुआ, इतनी बारिशें बरसी कि सब्ज़ा इतना ज़्यादा हुआ कि जानवर इतने मोटे ताज़े हो गए कि लगता था कि चर्बी से फट जाएंगे। इसलिए उस साल का नाम उन्होंने रखा आमुल फत, फटने का साल, कि इतने मोटे ताज़े जानवर हुए कहीं फट ना जाए, तो वो आमुल फतक भी उसका नाम रखा। चूँकि सन हिजरी का आगाज़ तो दौरे फारूकी में हुआ है, तो पहले नाम रखते थे सालों का, तो उस साल का नाम आमुल फील भी है, और उस साल का नाम, एक साल के कई के नाम मुख्तलिफ वाक़ियात की वजह से वो रखते थे, तो आमुल फतक भी उसे कहते हैं, फटने का साल, चूँकि इस कदर जानवर फरबा हो गए थे। और इसका एक नाम और रखा उन्होंने, सनतुल फतह वल इब्तिहाज, फतह कामयाबी और मुस्कराहटों का साल। क्योंकि अरब के अक्सर लोग अपने हाथों से अपनी बेटियां जिंदा दरगोर कर देते थे, अल्लाह ताला ने अपने महबूब की विलादत के साल किसी घर में बेटी पैदा नहीं की, बेटे ही तकसीम करे। हुजूर रहमत बन के जा रहे हैं तो कोई बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर न करे। नागहां साकिन हवाओं पर रवानी आ गई, और चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आ गई, आज जानुए अजल ने सुबह पे अंगड़ाई ली, और मुस्करा कर एक किरण ने हाथ में शहनाई ली, मखजने असरार कुदरत के अमी पैदा हुए, गुल हुआ दुनिया में खत्मुल मुरसली पैदा हुए, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहारों पर बहार आई, जमीन को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई, खुराम नाज पाया आफ्ताबों ने सितारों ने, चटक गुंचों ने पाई दाग पाए लाला जार। तो अजीब रंग था, अजीब आहंग था, अजीब जमाल था, कैफियत का कैसा जो है वो नूर फैला हुआ था कि हर समत रोशनी ही रोशनी और उजाले ही उजाले हो गए। सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, जब हुजूर की विलादत के लम्हे करीब आए तो आसमान के सितारे मेरे घर के इतने करीब आ गए कि मुझे लगता था मेरे वेड़े में गिर पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। और फरमाती हैं, खारज मिन्नी नूर अदा लहू कसूर शाम, मेरे बतन से फिर एक नूर निकला, इतनी रोशनी फैली कि यहाँ मक्के में बैठ के मैंने बसे और शाम के मोहल्लात देख लिए। इस कदर उजाले फैले, इस कदर रोशनियाँ फैली, और इसमें इख्तलाफ भी कोई नहीं, तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग इस बात को मानते हैं कि हुजूर की विलादत के वक्त वो उजाला हुआ था कि बसे और शाम के मोहल्लात दिखाई देने लगे थे, इस कदर अनवार फैल गए, इस कदर रोशनियाँ फैल गई, और हर समत उजाला ही उजाला, शरक के जानवर गरब की तरफ भाग पड़े और गरब के शरक की तरफ भाग पड़े, और आपस में मिलते थे और एक दूसरे को मुबारकें देते थे, मुबारक को हुजूर आ गए, मुबारक को हुजूर आ गए, खुशियाँ मनाई जा रही थी, कायनात पर एक कैफ था, काबा झूम रहा था, फरिश्ते झूम रहे थे, पूरे तकदीस के रब की सना के हम्द के गीत गा रहे थे, कायनात दरूद व सलाम पढ़ रही थी, अशजार भी झूम के उल्फत के तराने गा रही थी, जन्नत सजाई जा रही थी, जहन्नम बुझाई जा रही थी, कायनात के अंदर हर समत हुजूर की आमद का गुलगुला था, उजाले ही उजाले थे, रोशनियाँ ही रोशनियाँ थी, नूर ही नूर था। तो वो कैसा दिन था जब कुफर और जुल्मत के अंधेरे खत्म हुए और नूर ही नूर फैला, जुल्म जबर और इस्तेदाद की सरकुबी की गई, और खैर की कुव्वतें जो हैं वो नश्व नमा पाने लगीं, और हुजूर की आमद से वो जो बुत काबतुल्ला के अंदर रखे थे वो ऊंधे गिर गए, और किसरा के महल के 14 किंगरे गिर गए, नहर साबा खुश्क हो गई, आतशकदा ईरान बुझ गया, और कायनात के अंदर एक अजीब नूर ही नूर फैल गया, जा मोहम्मद जा रसूलुल्लाह, कैसा मंजर था, हुजूर आ गए, अल्लाह के रसूल आ गए। तो अहले ईमान के लिए ये मुसर्रतों का मौका है, ये खुशियों का आलम है,